Hey guys, welcome and welcome back to my channel. मैं हूँ अगीशा, आई एम बैक विद अनदर मिंत्रा हॉल. आज के मिंत्रा हॉल में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कुछ समर रिलेटेड टॉप जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं. एंड अगर आप समर रिलेटेड कोई भी टॉप सर्च कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर मैंने काफी ज्यादा अच्छा कलेक्शन टॉप का इंक्लूड किया है. एंड गाइज, अभी मिंत्रा के ऊपर चल रही है मिंत्रा बर्थडे ब्लास्ट सेल, जो कि 2 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है, 9 तक रहने वाली है, जिसमें आपको 50-90% ऑफ मिल जाएगा. सो अगर आपको कुछ भी बाय करना है तो ये बेस्ट टाइम है जब आप अपनी शॉपिंग कर सकते हो. एंड अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के टॉप मैंने पिक करने की कोशिश की है. एंड कलर कॉम्बिनेशन भी आप देखोगे हॉल वीडियो में, बिल्कुल ही डिफरेंट है एक दूसरे से. ये जो वीडियो में मैंने अभी टॉप पहना हुआ है, ये भी मैंने प्रीवियसली मिंत्रा से ही बाय किया था. इसका हॉल वीडियो तो मैं काफी पहले ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ. अगर किसी ने वो हॉल वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लेना. एंड गाइज, अगर ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर सच कंटेंट. एंड आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा गाइज, एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ सबसे फर्स्ट और सबसे ब्यूटीफुल टॉप के साथ, जो कि मुझे पर्सनली बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया. मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, सच में बहुत ही प्यारा टॉप है एंड बहुत ही ज्यादा अच्छे से मुझे फिट भी हो गया था. ये ब्लू कलर के अंदर है एंड इसके ऊपर में जो प्रिंट किया हुआ है ना, वो मुझे और भी ज्यादा सुंदर लगा. आप देख सकते हो इसके ऊपर इस तरीके से सनफ्लावर बनाए हुए हैं, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं. एंड ये पूरा ही कॉम्बिनेशन मिलके बहुत ही ज्यादा समरिश वाइब दे रहा है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है. मेरे को तो ये बहुत ज्यादा पसंद आया. एंड इसका जो फैब्रिक है वो भी बहुत ज्यादा प्यारा है, कॉटन फैब्रिक के अंदर है, सबसे अच्छी बात है. इसका फिट बहुत ज्यादा अच्छा था. ओवरऑल जो इसका लुक आ रहा था ना पहनने के बाद में, वो मुझे बहुत बहुत ज्यादा सुंदर लगा है. आप इसको व्हाइट कलर के बॉटम के साथ स्टाइल कर सकते हो, डेनिम्स के साथ स्टाइल कर सकते हो. मैंने ब्लैक कलर के बॉटम के साथ स्टाइल किया है, तो आप वैसे भी स्टाइल कर सकते हो. जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे पहन सकते हो, कैजुअली पहन लो या फिर ऑफिस में पहन के चले जाओ, एकदम परफेक्ट है हर एक चीज के लिए. अब मैं इसमें आपको साइज बता देती हूँ. मैंने इसके अंदर मीडियम साइज बाय किया है, जो भी आपका ट्रू साइज है आप वो आराम से ले सकते हो. एंड ये है फ्रॉम द ब्रांड ग्लोबस, सो काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी है गाइज. आप देख सकते हो पेपलम स्टाइल में ये टॉप है. एंड इन्होंने इस टॉप के अंदर ये वेस्ट पार्ट पे जो पैटर्न बनाया हुआ है ना, जो कि आपको ट्राई ऑन में ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, वो तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा. बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, आपको लेयरिंग करने की कोई जरूरत इसके अंदर नहीं पड़ेगी. इसके अंदर गाइज आपको एक पिंक कलर और मिल जाएगा, सो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो. एंड नाउ मैं इसके प्राइस आपको बता देती हूँ. उसको मैंने लिया है जस्ट 599 रुपीज में, विच इज वर्थ टू मनी. डेफिनेटली मैं इसको हाईली रिकमेंड करूंगी. नाउ गाइज, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉप की तरफ, जो कि अगेन मेरा सेकेंड फेवरेट है. ये फ्लोरल प्रिंट के अंदर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत टॉप है, आप पास से देख लो. इसका जो प्रिंट है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है. क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, फिट बहुत ज्यादा अच्छा है. पहनने के बाद में तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था. ये जॉर्जेट फैब्रिक के अंदर है, काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का जॉर्जेट फैब्रिक है, क्योंकि इसका ब्रांड है ओनली, ऑफकोर्स ओनली बहुत अच्छा ब्रांड है, तो हम क्वालिटी के तो डाउट कर ही नहीं सकते हैं. अगेन मैंने मीडियम साइज के अंदर इसको बाय किया है. सो जो भी आपका ट्रू साइज है आराम से आप उसके अंदर जा सकते हो. उसकी जो स्लीव्स हैं, इस तरीके से आपको पफ स्लीव्स मिल जाएंगी. बाकी तो आपको इसका स्टाइल जो है वो ट्राई ऑन के अंदर क्लियर हो जाएगा. इसमें नेक के ऊपर में ये आपको दो डोरियां मिल जाती है, जिनको आप बांध भी सकते हो. मैंने तो ऐसे खोल के ही स्टाइल किया था, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, आप बांध भी सकते हो. बाकी ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया. एंड इस वाले टॉप के ऊपर मेरी काफी लंबे टाइम से नजर भी थी. एंड ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि वेबसाइट के ऊपर दिखाया गया है. सो ये वाला पर्टिकुलर टॉप तो मुझे 100% सेटिस्फाइंग लगा है. इसका जो प्राइस है गाइज वो है 874 रुपीज, लेकिन इसकी क्वालिटी जस्टिफाई करती है इसके प्राइस को. सो या मैं इसको हाईली रिकमेंड करूंगी, आप इसको जरूर जरूर से चेकआउट कर सकते हो. नाउ गाइज, अब नेक्स्ट मेरे पास एक बहुत ही प्यारी सी शॉर्ट कुर्ती समझ लो या फिर टॉप समझ लो. ये टॉप ही है लेकिन ये एक शॉर्ट कुर्ती की तरह भी स्टाइल की जा सकती है. बहुत ही प्यारा सा व्हाइट कलर के अंदर ये एम्ब्रॉयडर्ड टॉप है मेरे पास में, जो कि मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगा एंड पहनने के बाद में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था. इसको ऑफकोर्स आप किसी भी कॉटन फैब्रिक के बॉटम के साथ स्टाइल कर सकते हो या फिर अपनी डेनिम्स के साथ स्टाइल कर सकते हो. जैसे चाहो ये वैसे स्टाइल हो जाएगा. इससे बहुत सारे लुक्स आई थिंक क्रिएट हो सकते हैं. अगर आप किसी कॉटन फैब्रिक बॉटम के साथ इसमें जा रहे हो तो आप सिल्वर झुमके वगैरह इसमें ऐड कर सकते हो, काफी ज्यादा प्यारे लगेंगे. एंड इसका जो योक पार्ट है उस पे काफी अच्छी एम्ब्रॉयडरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी. इसकी स्लीव्स आपको इस तरीके से मिलेंगी, पे इलास्टिक दी गई है स्लीव्स के अंदर, जो कि अच्छा सा पफ क्रिएट करती है. एंड बहुत ही प्यारा सा घेरा है इसके अंदर गाइस, मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा.
एंड अधिकतर क्या होता है कि व्हाइट कलर की जो भी चीजें होती है ना वो सी थ्रू होती है, लेकिन इसके अंदर लाइनिंग दी गई है, सो आपको आपको ये बहुत ज्यादा सी थ्रू नहीं लगेगा। आपको जस्ट इसके अंदर न्यूड इनरवेयर कैरी करना पड़ेगा, लेयरिंग करने की ऐसी जरूरत नहीं है। इसको मैंने लिया है फ्रॉम द ब्रांड ड्रेस बेरी एंड ये मीडियम साइज के अंदर है, जो कि मुझे बहुत अच्छे से फिट हो गया था। आपको ट्राई ऑन में इसका पूरा लुक क्लियर हो जाएगा। सो गाइज, ये वाला टॉप तो मैं हाईली हाईली रिकमेंड करूंगी। एंड बैक साइड में भी यहाँ पे इस तरीके से थ्रेड से इन्होंने काम किया हुआ है। समर्स के लिए इस तरह के टॉप एकदम बेस्ट होते हैं। एंड इसका प्राइस जो है वो थोड़ा सा हाई लग सकता है, लेकिन इसकी क्वालिटी बिल्कुल जस्टिफाई करती है प्राइस को। इसको मैंने लिया है 1247 रुपीस में, विच इज आई थिंक वर्थ टू मनी, क्योंकि जब मैंने इसको पहना है एंड इसकी क्वालिटी वगैरह मैं पास से चेक कर रही हूँ तो ये मुझे बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है। सो डेफिनेटली गाइज, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। कुछ इससे ही मिलता जुलता ना एक और टॉप मैंने लिया है, वो भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। इस तरीके से ब्लू कलर के अंदर है, ये ब्लू एंड ग्रे का कुछ कॉम्बिनेशन है, कलर कुछ इस तरीके से है। ये भी सेम पैप्लम टॉप है, अगेन ड्रेस बेरी से ही मैंने लिया है एंड मीडियम साइज के अंदर। मीडियम साइज इसमें मुझे अच्छे से फिट हो गया था। इसके ऊपर आपको यहाँ पे यो पार्ट पे थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, सीक्वेंस से काम किया हुआ है। नेक के ऊपर यहाँ पे आपको क्रोशी की डिटेलिंग मिल जाएगी। स्लीव्स बहुत ज्यादा प्यारी हैं इसकी गाइज, आप देख सकते हो। एंड पूरे ही टॉप में ना एम्ब्रॉयडरी है, आप देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये रियल में ज्यादा अच्छा लग रहा है, आई थिंक कैमरा के ऊपर उतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। एंड नीचे में भी आपको क्रोशी की डिटेलिंग मिलेगी एंड पूरे ही टॉप पे थ्रेड से काम किया हुआ है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है, नीट एंड क्लीन काम है एकदम। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ये वाला टॉप भी मुझे। एंड इसके अंदर भी आपको लाइनिंग मिल जाएगी, 100% कॉटन फैब्रिक के अंदर है। इसको भी आप एज अ शॉर्ट कुर्ती स्टाइल कर सकते हो, किसी कॉटन फैब्रिक के बॉटम के साथ स्टाइल कर सकते हो। इस वाले पर्टिकुलर टॉप के साथ भी आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर पाओगे। इसका जो कॉटन है ना गाइज, वो जो हैंडलूम कॉटन आता है वो वाला कॉटन है, सो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाला है। एंड इसका प्राइस भी थोड़ा सा हाई आपको लग सकता है। इसको मैंने 1375 रुपीज में बाय किया है, लेकिन क्वालिटी सच में जस्टिफाई कर रही है इसके प्राइस को। दोनों ही टॉप बहुत ज्यादा अच्छे हैं। पार्ट तो यही है कि कॉटन फैब्रिक के अंदर है तो समर में बहुत ज्यादा यूज हो जाएंगे। तो गाइज, अब जो नेक्स्ट टॉप है वो भी बहुत ज्यादा प्रिटी से कलर में है। ये पिंक कलर के अंदर आपको इस तरीके से पैपलम टॉप मिलेगा, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा। लेकिन इसका ट्राई ऑन मैं नहीं कर पाई, मुझे प्यारा तो ये बहुत ज्यादा लगा जब मुझे ये रिसीव हुआ, मैं खुश हो गई थी एकदम। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि बैक साइड से ना यहाँ पे आपको जिप दी हुई है, ये इस तरीके से, जो कि नीचे तक ओपन होती है, लेकिन नीचे में आके ये इसके बाद ओपन ही नहीं हो रही थी। एंड जिप ओपन किए बिना ये टॉप नहीं पहना जा सकता, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इलास्टिक नहीं दी गई है एंड वेस्ट पार्ट पे ये अच्छे से आपको बिल्कुल फिट होगा, तो इसलिए इसको जिप ओपन करके ही पहना जा सकता है। लेकिन आई थिंक ये वाली प्रॉब्लम एक कोई पीस में ही होगी, ऐसा तो नहीं है कि सारे टॉप ऐसे खराब होंगे। मैं भी इसको एक्सचेंज कराने वाली हूँ एंड पीछे से आपको ये की होल भी मिल जाता है। बाकी इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है एंड जो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट इसके ऊपर किया गया है वो मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा। ब्लू कलर के बॉटम के साथ ये बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा गाइज। टॉप के अंदर आपको एक और कलर ऑप्शन मिल जाएगा जो की ब्लैक कलर है गाइज। इसको मैंने बाय किया है 899 रुपीज में, विच इज डेफिनेटली वर्थ टू मनी। आप जरूर से इसको चेकआउट कर सकते हो। आई थिंक सिर्फ यही पीस होगा जिसके अंदर ये जिप वाली प्रॉब्लम होगी। अगर आपको भी कुछ ऐसा पीस रिसीव होता है सो आप रिटर्न कर सकते हो, डेफिनेटली मिंत्रा में इजीली रिटर्न पॉलिसी है। लेकिन आप जरूर से ट्राई जरूर करना इस टॉप को, मैं इसको हाईली रिकमेंड करूंगी। ये भी मैंने ग्लोबस ब्रांड से ही लिया है एंड अगेन मीडियम साइज के अंदर है। सो जो भी आपका ट्रू साइज हो उसके अंदर आप इसको ले लेना, क्योंकि मुझे लगता है मीडियम साइज में जो अच्छे से फिट हो जाएगा। नाउ गाइज, नेक्स्ट मेरे पास ये बहुत ही प्यारा सा टॉप है इस तरीके से, जो कि एकदम ऑफिस वाइब दे रहा था मुझे, पता नहीं क्यों। देखने के बाद में अगर इस तरह के टॉप आप अपने वर्क प्लेस पे पहन के जाते हो तो काफी ज्यादा स्मार्ट लगेगा ये। एंड इस तरीके से है ये व्हाइट एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में, जिसके ऊपर पूरा स्ट्रैपी पैटर्न इन्होंने बनाया हुआ है। स्लीवलेस टॉप है ये एंड इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से है। लेकिन ये भी मैं ट्राई ऑन नहीं कर पाई हूँ क्योंकि ये मुझे काफी ज्यादा टाइट था। सो ये वाले पर्टिकुलर टॉप में मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जो भी आपका यूजुअल साइज है उससे आप वन साइज अप जाना, सो तभी आपको ये अच्छे से फिट हो पाएगा। एंड इसको मैंने मीडियम साइज में लिया है, मेरे को एल साइज में ये मंगाना पड़ेगा तभी मुझे ये फिट हो पाएगा। इसको मैंने बाय किया है फ्रॉम द ब्रांड कीबो। ये भी मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है ब्रांड, इससे पहले मैंने कभी इस ब्रांड के टॉप नहीं बाय किए हैं। काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी। यहाँ पे ना पूरा इन्होंने इस तरीके से बटन लगाए हुए हैं जिनको आप आराम से ओपन करके इसको पहन सकते हो एंड बंद कर सकते हो। जैसे वेबसाइट के ऊपर मॉडल ने कैरी किया था उसका स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगी साइड में, सो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसा लगने वाला है। अंदर आपको एक और कलर ऑप्शन मिल जाएगा जो कि व्हाइट एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन है, सो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये इस हॉल वीडियो में सबसे ज्यादा अफोर्डेबल टॉप है। इसको मैंने बाय किया है 467 रुपीज में, विच इज वर्थ टू मनी। आप जरूर से इसको चेकआउट कर सकते हो। जस्ट ध्यान रखना कि आपको वन साइज अप जाना है।
है। सो गाइज, इस हॉल वीडियो का लास्ट टॉप अब मेरे पास में है। ये बहुत ही प्यारे से कलर कॉम्बिनेशन में ये पेप्लम टॉप है, ग्रीन एंड येलो के कॉम्बिनेशन में। इसका जो कलर है ना वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया था क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग लगा था। तो गाइज, ये कुछ इस तरीके से ऑफ शोल्डर टॉप है। आप इसको ऑफ शोल्डर करके भी पहन सकते हो या फिर शोल्डर के ऊपर करके भी पहन सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप वैसे इसको स्टाइल कर सकते हो। बहुत ही अच्छा फिटिंग था इसका क्योंकि यहाँ पे पूरे में इलास्टिक दी गई है वेस्ट पार्ट के ऊपर एंड नीचे इस तरीके से पेप्लम स्टाइल में आपको मिल जाएगा। 3/4 स्लीव्स हैं एंड स्लीव्स के अंदर भी यहाँ पे आपको इलास्टिक मिलती है, लेकिन बिल्कुल भी हार्श या फिर बहुत ही ज्यादा टाइट वाली इलास्टिक यहाँ पे यूज नहीं की गई है, जो क्योंकि आपको थोड़ा भी अनकंफर्टेबल करेगी। बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है एंड यहाँ पे ना शोल्डर के ऊपर बहुत ही अच्छे से इलास्टिक है जो कि आपके शोल्डर के ऊपर अच्छे से ग्रिप बना लेगी। इसको मैंने लिया है गाइस फ्रॉम द ब्रांड कीबो एंड ये भी मैंने मीडियम साइज के अंदर बाय किया, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छे से फिट हो गया था। सो जो भी आपका ट्रू साइज है वो आप इसके अंदर बाय कर सकते हो। अदरवाइज इसके अंदर और भी कलर ऑप्शन है, जैसे कि ऑफ व्हाइट कलर है, रेड कलर है, पर्पल कलर है एंड एक ब्लैक कलर है, लेकिन ये वाला कलर मुझे सबसे ज्यादा प्यारा लगा एंड अकॉर्डिंग टू समर तो ये एकदम परफेक्ट है, बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग वाइब दे रहा था। नाउ मैं इसके प्राइस आपको बता देती हूँ। इसको मैंने लिया है गाइज 569 रुपीज में, विच इज आई थिंक वर्थ टू मनी। आप जरूर से इसको चेकआउट कर सकते हो। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा आप प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता के जरूर से जाना। आगे भी ऐसे ही और वीडियो देखने हैं तो प्लीज मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।